नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। टाइम खराब ना करते हुए सीधा सीधा सा बताता हूं कि पिक्सल वर्स का आज बाईबिट पे लॉन्चिंग है, और पिक्सल वर्स में अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो आपको एक काम करना बहुत जरूरी है, वो है पिक्सल वर्स के डैशबोर्ड को, जी हाँ पिक्सल वर्स के डैशबोर्ड को ओपन करना, उसकी टास्क कंप्लीट करना। प्रोफाइल में आपको अपना वही यूजर नेम देना है जो आपने अपनी मोबाइल ऐप और बॉट पे दिया हुआ है। दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो आपको अपना प्रोफाइल का यूजर नेम बॉट में और डैशबोर्ड में सेम होना चाहिए, दूसरा आपका जो वैलेट है ये दोनों सेम वैलेट से कनेक्ट होने चाहिए। मेटामास्क है तो मेटामास्क, बाईबिट है तो बाईबिट, जो भी है सेम वैलेट से कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो टास्क कर लें, चाहे तो टास्क रहने दें। टास्क में एक ऑप्शन था जो हम अभी अभी पूरा कर चुके हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। जहां पे आप जाते हैं तो टास्क में आपको टेलीग्राम बोट को ज्वाइन करना है, ये जरूरी है, ठीक है, तो इस काम को आप कर लें। रेफरेंस में जैसे कि हमें तो कोई बहुत ज़्यादा लोग करते नहीं है, सीधी सी बात है, अभी 6 लोगों ने रेफर किया, हमने किया भी था। आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो मैं आपको रेफर लिंक भेज देता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो। ये रेफर लिंक मैंने आपको सेंड कर दिया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की जिस पे ये वीडियो हम बना के लेके आए हैं। 18 वर्ष से 45 वर्ष के लोगों के लिए वरदान है ये मौका, सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट और पूरी जिंदगी आराम। देखिए दोस्तों क्या होता है आज के टाइम पे, वीडियो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और आपके अपने आप को रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। आप इससे रिलेट होते हैं कि नहीं होते वो कमेंट्स करके बताइएगा, ये बातें आपके साथ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं वो आप रिलेट करके बताइएगा। 12th पास या ग्रेजुएशन पास करके हम लोग हो जाते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम लोगों को ये विजन क्लियर नहीं होता कि हम क्या करें। 22, 23, 25 साल की एज में मैरिज हो जाती है, उसके बाद साल दो साल बाद बच्चे हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि हम क्या कर रहे हैं। जो लोगों के साथ भी स्टोरी रिलेट कर रही है वो लोग लाइक जरूर करें। मैक्सिमम लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, मतलब सपने तो बड़े बड़े देखते हैं, सपने देखने में कोई बुराई भी नहीं है, सपने तो बड़े बड़े देखते हैं लेकिन किस्मत ऐसी लात मारती होती है कि लोग हमें ये कहने लगते हैं कि ये लूज़र है और कुछ नहीं कर पाएगा, ये बस ऐसे ही है। तो आप भी अगर इन सिचुएशन से जूझ रहे हैं, अगर इन्हीं सिचुएशन ऐसी ही कंडीशन से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जो लोग 18 साल की एज में हैं, अभी उनके सामने फ्यूचर पड़ा है, लेकिन ये चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमें एक बहुत अच्छा पैसा हमारे पास हो, अगर कुछ भी ना हो तो आने वाले टाइम पे हमारे पास एक ऐसा पैसा हो जिससे हम कुछ कर सकें। अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है या 30 साल आपकी उम्र हो चुकी है, मैरिज हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अभी तक आप सेटल नहीं हुए हो कहीं पे, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अब 25 और 30 साल हो चुके हो तो अब आगे क्या करोगे, प्राइवेट जॉब लगेगी 5-7-10-20 हज़ार रुपये की, उसमें आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ खर्चा चलेगा। आने वाले टाइम पे आपको मकान भी चाहिएगा, जो अगर आप अलग बनाना चाहते हैं, आपको बच्चों की पढ़ाई भी चाहिएगी। अभी मान लिया आपके बच्चे 1-2 साल के हैं, 5 साल के हैं, अभी वो 1st-2nd क्लास में पढ़ते हैं या न्यू बॉर्न बेबी हैं, तो जब वो प्लस टू के बाद कोई इंजीनियरिंग या मेडिकल कोर्स करने जाएंगे और पता लगेगा कि आपको करोड़ों का यहाँ पे करोड़ों का खर्चा है, तो क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा उस समय पे, और उस समय पे आप बच्चों को सिर्फ यही बीए बीएससी और इन सारे कोर्स में डालोगे कि बेटा मजबूरी है ये करो। आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है, आप कोई ऐसा चीज सोच रखी थी आपने 20 साल की उम्र में, सोची थी कि कोई बिजनेस करना है, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? 35 से लेके 40-45 में आप सोच रहे हो कि अब हम रिटायरमेंट के टाइम पे हमें इतना पैसा नहीं मिलेगा, या बूढ़े जब हम हो जाएंगे हमारे पास इतना पैसा नहीं हो पाएगा कि कोई हमारी केयर कर सके, या किसी लालच में। देखिए ये दुनिया बहुत बुरी है, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके पास रिश्ते भी नहीं है, आपके पास पैसे हैं तो आपके पास रिश्ते भी हैं, तो पैसा होना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको कल बताया था बिटकॉइन का मामला, कि बिटकॉइन में आप अगर 10,000 रुपया लगाते हैं तो जो प्रिडिक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन 2038 में, यानी कि अब से 14 साल बाद,
$1 बिलियन का हो जाएगा, जिसे अगर हम करोड़ में रुपीज में कन्वर्ट करें तो 8,300 करोड़ होता है, 8,300 करोड़ होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि 10,000 रुपये का भी 15 करोड़ रुपया हो जाता है और 5,000 रुपये का भी लगभग 7.5 करोड़ रुपया हो जाता है। हालांकि उस समय पे 7.5 करोड़ की वैल्यू अब से 15 साल बाद इतनी रह जाएगी जितनी आज 1 करोड़ की वैल्यू है। अब आप एक चीज सोच के देखिएगा कि आज के टाइम पे अगर आपके पास, जो लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं कि उनके पास जॉब नहीं है, उन्हें कहीं अच्छा काम नहीं मिल रहा, उनकी कोई सुनवाई नहीं है, मतलब ना घर में इज्जत है ना बाहर इज्जत है, ये सारी चीज़ अगर आपके साथ हैं या आप सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पे ये हो सकती हैं, बच्चों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, जिनके बच्चे बड़े हैं वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें सोचने वाली हैं। अब ऐसे में अगर आपके पास आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपया हो तो आप क्या नहीं कर सकते? बच्चों को एटलीस्ट बहुत विदेशों में नहीं तो एटलीस्ट इंडिया में पढ़ा सकते हो अच्छी तरीके से, MBBS वगैरह तक करा सकते हो। एक अगर आपको एक घर की ज़रूरत है, काम चलाऊ ही चाहिए, या तो आप 20-30 लाख रुपए का घर लेके बाकी की FD करके आपका एक, अगर 50 लाख की आप FD करते हो तो हर महीने आपका लगभग 25-30 हज़ार रुपया आना शुरू हो जाता है। 1 करोड़ को बैंक में डाल के लगभग आपका 55 हज़ार रुपया महीना आना शुरू हो जाता है। तो ये इन्वेस्टमेंट दोस्तों आपको करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। आपका आज तो जैसे चल रहा है चल रहा है, उसमें आप बहुत मेहनत करोगे आपको कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो मेहनत कीजिए कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है। लेकिन इन फ्यूचर आपको एकदम से पैसे की जब जरूरत पड़ेगी तो आपके पास क्या होगा? कई बार ऐसा होता है, हम लोग इंश्योरेंस करते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं कि सालाना हमें 36,000-40,000 देने होते हैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए। तो यहाँ पे बात हो रही है 5,000 की, मर्जी अभी भी आपकी है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती है कुछ है, बातें अगर ठीक लगी हों तो 1,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक का कोई भी इन्वेस्टमेंट आप बिटकॉइन में करके रखिए, मर्जी आपकी है टोटली 100%। बातें समझ में आ गई हों तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टोकन बताना चाहूँगा, इंस्योटेफी। हालांकि ये पंप एंड डंप वाला क्रिप्टो है, आप देखेंगे कि कहीं तो ये 0.7 पे जाके पहुंच जाता है, फिर 0.04 पे आ जाता है ये 2.0 लगने के बाद। तो इसमें पिछले एक महीने का मैंने चार्ट निकाला है, यहाँ पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इसका चार्ट लगभग यहीं पे घूम रहा है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो लॉन्ग टर्म में भी धीरे धीरे ये ऊपर ही जा रहा है। और यहीं पे अगर हम बात करें अपने मेन टोकन की, टोन कॉइन को सब ये कह रहे हैं, सभी ये कह रहे हैं कि बहुत अंडर वैल्यू टोकन है, तो ज़्यादा नहीं 2-3 टोकन लेके रख लीजिए, ज़्यादा की बात नहीं करूँगा, 2-3 टोकन लेके रख लीजिए, अगर BNB की तरह चला तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। पिछली बार आपने BNB देखा होगा साल 2021 में, अगर आप BNB की बात करें, लॉन्ग टर्म का चार्ट इसका निकालिएगा और 2020-21 में आप यहाँ पे जाइएगा, ये 2020-21 में यहाँ पे यही $16 हुआ करता था, $5-7 भी हुआ करता था, 2018 में $5, लेकिन उसके बाद 2020 में $17, 2020 में ही $16, और 2020 में ही दिसंबर में, अगर आप यहाँ पे 2021 में चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा $645 तक, 9 मई को $645 का था 2021 में, और दिसंबर 2020 में, यानी कि 6 महीने के अंदर आपको कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो वो सारी कैपेबिलिटी टोन कॉइन में है, वो सारी कैपेबिलिटी टोन कॉइन में है। तो टोन कॉइन आप 1-2 टोकन जरूर लेके रखें, और बिटकॉइन में धीरे धीरे से ही सही थोड़ी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते रहे, जब तक कि आपका 5,000-10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट ना हो जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको आप एक बार करो, लेकिन फ्यूचर सिक्योर रखना है, कुछ अनसर्टेनिटी से बचना है। और देखिए जीवन है, कुछ भी हो सकता है, जीवन है कुछ भी हो सकता है, तो उन चीज़ों से बचने के लिए, फैमिली को कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर आपके पास 1 टाइम 5,000 रुपये भी नहीं है तो आप 500-500, 1,000-1,000 करके 5,000-7,000, अगर आप अभी आज के टाइम पे करते हैं तो 5,000, अगर आप आने वाले कुछ समय में करेंगे तो आपको 5 की बजाय 10 करनी पड़ेगी, क्योंकि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ चुका होगा। मर्जी दोस्तों आप ही की है, तो थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर इन्वेस्ट करते रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।